मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने जो बनाया है आपके लिए वो है सेमी कुरकुरी भिंडी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी बनता है। ना कोई मसाले ज्यादा लगते हैं, ना कुछ लगता है। तो जैसे मैंने बताया है, इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको खाने में बड़ा स्वाद आएगा। और ये है लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, और बाकी कुछ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो आप बताना कि हाँ, आज आपको कैसा लग रहा है इसको खाने में और बनाने में। जब बनाएंगे तो खाएंगे तो बताना मुझे। तो ये भिंडी है और ये इसका चटकारा है। तो इन दोनों चीजों को आप बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा है। तो जल्दी ना देर करते हुए चलते हैं इनको बनाने में, किन किन चीजों की जरूरत होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। वेलकम है मेरे दोस्तों, आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में। आज मैं आपके लिए कुक करने जा रहा हूँ भिंडी कुरकुरी, जो चाट मसाले, हल्दी और नमक के साथ ही बस इसको कुरकुरी बनाएंगे। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आधा किलो हमने भिंडी ली है और इसमें हमारे पास में एक छोटी शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, ये भी इसी के अंदर हमने काट के डाल दी है। जो बेकार हो जाती तो इससे अच्छा इसके अंदर काम आ जाएगी। तो ये हल्दी है हमारी आधी चम्मच, जिसमें से आधा हम इस भिंडी के साथ डालेंगे। और ये नमक है आधा चम्मच, ये भी आधा इसके साथ डालेंगे। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डाल देना नमक, जितना स्वाद हो। ये चाट मसाला है आधा चम्मच के करीब, तो इसमें से भी आधा हम इस भिंडी के साथ ही यूज करेंगे। और इधर जो है आप देख रहे हैं, ये डंडी है। ये क्या कहते हैं, ये पूरी डंडी ये दूसरी जगह काम आएगी। जब मैं आपको बनाऊंगा तब दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। और ये धनिया गार्निश के लिए है। ये एक लहसुन की गांठ है जिसकी 10-12 कलियां हैं। और ये 8-10 हरी मिर्ची हैं जिनको चीरा लगा लिया है मैंने। और ये प्याज है, दो छोटे मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने गोल छल्ले में इस तरीके से काट लिया है। तो आप भी ऐसे ही छल्ले में काट लीजिएगा। और ये जो भिंडी है, इस भिंडी को क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया कि बस ये मैंने रखी है आपको दिखाने के लिए। तो इसको ऐसे काट लें, काट के इसको बस ऐसे चीरा यहाँ से हल्का सा लगा दें और इसको रख दें। तो मैंने इस सब में चीरा लगा लिया है और काट के रख दिया है। तो आप भी इसी तरीके से करके रखें। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये देखिए, हम अपने गैस के पास आ गए। हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को कर देते हैं ऑन और पैन को होने देते हैं गरम। जो पैन है ये गरम हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे 2 चमचे ऑयल। मैं अंदाज़े से डालता हूँ, आप चाहे नाप के डालें। ये ऑयल हमारा होने देते हैं हम गरम। जैसे गरम होता है मैं दिखाता हूँ। ये हमारा ऑयल हो चुका है गरम। अब हम इसमें हम 1/4 चम्मच जो है ये जीरा है हमने लिया है, ये मैं दिखाना भूल गया था आपको। तो इसको हम डाल देते हैं इसमें कढ़ाई में। ये देखिए, बस ये हमारे ये क्रैकल हो गए। जैसे इनका कलर थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए, ये हो रहा है। आँच कर देते हैं थोड़ी सी तेज। अब देखिए, जीरे हमारे हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे ये सारी भिंडी जो हमने ये काट कर भिंडी जो है इसमें डाल दी है। इसको कर देते हैं ऐसे भी, इनको हम कर लेंगे फ्राई। ऐसे ही हम चलाते रहेंगे, तो ऐसे ही फ्राई होने देते हैं कम से कम 2-3 मिनट तक। तो 2-3 मिनट फ्राई हो जाने दीजिए आप इसको, फिर मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो भिंडी है वो फ्राई हो रही है। इसको इसी तरीके से फ्राई करना तेज आँच पर और चलाते रहना है। हल्का कलर जैसे आने लगेगा, ये देखिए अब इस भिंडी में देखिए आप कलर आने लग गया है इसका। और थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, फिर आप देखिए कैसा कलर आता है इसका। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर बढ़िया चेंज होने लग गया है। अब चटकना भी कम हो गया है। इस स्टेज पे हम कर देंगे आँच हमारी एकदम स्लो। और ये हम हल्दी डाल देंगे अपनी, नमक डाल देंगे इसमें, चाट मसाला जो था वो डाल देंगे। तो नींबू इसमें ज़रूर डालना, उसी से इसका स्वाद और बढ़ के आएगा। चाट मसाला और नींबू के साथ में ये इतना बढ़िया, बहुत अच्छा स्नैक की तरह खाएं, दाल के साथ खाएं, शाम को, सुबह, दोपहर, कभी भी आप खा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने नींबू इसमें निचोड़ दिया है, इससे बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद आएगा। अब इसको कर देंगे हम मिक्स। ये देखिए, आँच थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, मीडियम टू स्लो में, और इनको सबको मिला लेंगे। ये आपको खाने में बढ़िया, बहुत ही स्वाद आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी भी देखना स्टार्ट किया है, तो हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी नए लोगों को आप शेयर करके हमसे जुड़ने के लिए कहें। हमारे पास में आज कमेंट आया था श्रीलंका से, और उन्होंने भी हमें विश किया है, श्रीलंका से जो कमेंट आया था, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी इंडिया से भी हमारे पास में बहुत से कमेंट आए थे, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं लोग, तो आप लोग बस जुड़ते रहिए हमारे साथ।
ऊपर वाला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। अब इसको हम बंद करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए 5 मिनट हमने इसको बंद करके ढक के स्लो आंच पे रख दिया था। अब आंच कर देते हैं तेज, हमने रखा था जिससे ये गल भी जाए। और अब इसको कुरकुरी कर देंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा कुरकुरी नहीं। आप देख रहे हैं इसका लुक कितना प्यारा दिख रहा है। तो आप ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने आपको बताया है और जो सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से आप दाल के साथ खाएं, आप डिनर में जब हो, दाल हो, कुछ भी हो, सब्जी भी इसे खा लें, हर तरीके से इसको आप खा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इसको थोड़ा और कुरकुरी करता हूँ, दिखाता हूँ फिर आपको। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम फ्राई करते हुए देखिए इनका कलर चेंज हो गया और ये बढ़िया एकदम कुरकुरी सेमी और कुरकुरी हर तरीके से ये बढ़िया एकदम डिश तैयार हुई है। ये देखिए, तो ये देखने में जैसी लग रही है वैसे खाने में भी इतनी ही ज़बरदस्त लगेगी। तो ये डिश हो गई है कम्प्लीट। तो हम इसको हटाते हैं अलग कढ़ाई को, और उसके बाद में दूसरा वो जो बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और तो ये देखिए दोस्तों, हमने भिंडी जो है कुरकुरी अपनी निकाल ली है, उसके बाद वही पैन चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे खाली 1 चम्मच हल्का सा ऑयल। तो ये देखिए, ये तेल हमारा हो गया है गरम। हम डाल देते हैं इसमें प्याज, इसको हल्का सा खाली ऐसे मिक्स करा देंगे। अब सारा एक साथ ही हमें डालना है। ये हमारी जो मिर्च है वो डाल दें, और ये जो है हमारे लहसुन जो हमने खड़े छिले थे वो डाल दें, और ये धनिए की डंडी ये भी सारी की सारी इसके अंदर डाल दें। अब इसको करते हैं थोड़ा मिक्स, हल्का सा ये मिक्स हमने किया। ये हम डाल देंगे इसमें हमारा ये चाट मसाला, ये हल्का सा नमक, ये आधी बची हुई जो हल्दी थी वो डाल दी हमने इसमें। इसमें हमें नींबू वो नहीं डालना चाहिए। इसको बनाने में खाली आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, बस ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब इसको स्लो ये आँच पे बिना पानी डाले हुए हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 2 मिनट हो गए हैं, हमने हटा लिया ये ढक्कन, और आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और बढ़िया से ये पक भी गए हैं। लहसुन भी हमारे इसी तरीके से रहेंगे, ये खाली बस हल्के से क्या कहते हैं सॉफ्ट होंगे, और बाकी और कुछ नहीं होंगे ये, क्योंकि इनको अगर गला देंगे तो इसका सारा मज़ा चला जाएगा। बताएं कि हाँ, ये आज का जो खाना है आपको कैसा लगा, तो हमें ज़रूर बताएं। बस ये कंप्लीट हो गया है, अब मैं गैस कर देता हूँ बंद, और आपको डिश आउट करके सब दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है, और ये देखिए आप, ये भिंडी जो है ये सेमी कुरकुरी और कुरकुरी है, जो आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बनी हुई है, इतनी बढ़िया। इस पर हम हल्का सा ये कर देंगे गार्निश, ये आप देखिए, इसे देखने में ये इसका लुक और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो ये हमने इस पर कर दी धनिया की गार्निश, भिंडी हमारी गल भी गई है और कुरकुरी टाइप की सेमी हो गई है, ये हो गया। उसके बाद में ये देखिए इधर, ये जो हमने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और बाकी जो मसाले डाले थे उसके साथ में ये था, इसमें भी हम क्या कहते हैं ये गार्निश कर देते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक साथ ये 2 चीज़ें हैं, आप इसको क्या कहते हैं, अगर भिंडी कुरकुरी कहेंगे इसको, अगर आप भिंडी कुरकुरी कहेंगे तो इसको इसका चटकारा कहेंगे। तो ये जो है दोनों एक साथ रहेगा तो खाने का स्वाद ही कुछ और रहेगा। तो इसी तरीके से बनाएं आप, और आप बना के मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, और हम जो है मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में, नए दिन, नए डिश के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली बार। टाटा, बाय बाय।